हेलो फ्रेंड्स, द कैजुअल लर्निंग इस चैनल पे आप सबका स्वागत है। मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने बेटे का 6 मंथ्स का फ़ोटोशूट। इस फ़ोटोशूट के लिए हमने कोई भी प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र हायर नहीं किया था, हमने घर पे ही शूट किया था। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इस फ़ोटोशूट के लिए हमने जो कैमरा यूज़ किया था वो था निकॉन 3200। उसके लेंस थे 18-250 mm और इसमें हमने एक अमेज़ॉन का बॉक्स लेके उसमें सिल्वर फॉइल लगा के उसमें कुछ LED फ्लैश लाइट्स को छोड़ा था। और मेकअप के लिए बेबी को बेबी हेयर ऑयल और जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर ये यूज़ किया था। तो मैं शुरू करती हूँ फर्स्ट फ़ोटो से। गाइस, फर्स्ट फोटो में हमने बैकग्राउंड में एक वाइट कलर का फर कारपेट यूज़ किया हुआ है जिस पे बच्चे को सुलाया था। उसको जो टाई बांधा हुआ है वो उसके पापा का है। उसके बाद बेबी हग का एंटी स्लिप सॉक्स यूज़ किया था। कुछ बेसिक ज्वेलरी यूज़ की है, उसको डाली है, और पैम्पर्स का प्रीमियम नैपी। उसके बाद नेक्स्ट जो फोटो आप देख रहे हो ये हमने कुछ म्यूजिकल टच देने के लिए इस तरह का बनाया हुआ है, जिसमें हमने एक बेडशीट यूज़ की हुई है बैकग्राउंड में, जो कि ऑरेंज कलर की है, जो हमने अमेज़ॉन से परचेज की हुई है। हमें पियानो दिखाना था तो हमने एक वाइट दुपट्टा लिया है और उस पर जो वो ब्लैक कलर का स्ट्रिप्स देख रहे हो आप, वो हमने ब्लैक कलर के कलर पेपर से स्ट्रिप्स बना के उस पर उसको उस दुपट्टे पे लगाया है। उसके बाद सेम ब्लैक कलर पेपर से हमने बेबी का हैट बनाया है, स्टिक बनाया है और म्यूजिक सिंबल्स बनाए हैं, और वाइट कलर के कलर पेपर से ओरिगामी बर्ड्स बनाए हैं, और एक ऑरेंज कलर का दुपट्टा था उससे हमने सन बनाया हुआ है। और इसमें जो ड्रेस आप देख रहे हो बेबी का वो हमने फर्स्ट क्राय से ऑर्डर किया है। नेक्स्ट जो फोटो आप देख रहे हो इसमें बेबी ऐसा भी सोच सकते हो कि वो चांद पे जा रहा है कुछ स्टार्स लेके। ये हमने थीम इसमें लिया है। और इसमें जो बैकग्राउंड का आप देख रहे हो वो बेडशीट है फिर से लाइट ब्लू कलर का, अगेन वो भी हमने अमेज़ॉन से परचेस किया है। मल्टी कलर दुपट्टा है, दुपट्टे में ऑरेंज और येलो कलर है, रेड और ऑरेंज कलर है सॉरी। उसके बाद हमने कुछ कलर क्राफ्ट पेपर यूज़ किए हैं जिसमें हमने ब्लैक कलर से लैडर बनाया है, वाइट कलर का एक कलर पेपर लेके उससे बास्केट बना के उस पर कुछ डिज़ाइन किया है, और स्टार्स बनाए हैं येलो कलर के कलर पेपर से, क्लाउड्स बनाए हैं वाइट कलर के कलर पेपर से। इसमें जो जम सूट बेबी को डाला है वो फिर से हमने फर्स्ट क्राय से ऑर्डर किया है। नेक्स्ट जो आप फोटो देख रहे हो दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट फोटो। इसमें जो है बेबी बारिश में उड़ रहा है ऐसा हमने दिखाया है छाता लेके। तो इसमें भी फिर से जो बैकग्राउंड बेडशीट है वो ब्लू कलर का, लाइट ब्लू कलर का अमेज़ॉन से ही परचेस किया हुआ है। उसके बाद हमने मल्टी कलर के ब्लाउज पीस यूज़ किए हैं रेनबो दिखाने के लिए। एक ब्लू कलर का, डार्क ब्लू कलर का थोड़ा बेडशीट यूज़ किया है नीचे पानी दिखाने के लिए, और बीच में जो आप ब्लैक कलर का देख रहे हो वो भी एक स्टोल ही है जिसको हमने वहाँ पर डाला है। उसके बाद क्लाउड्स दिखाने के लिए हमने वाइट कलर का पेपर यूज़ किया है कलर पेपर, और रेन ड्रॉप्स के लिए ब्लू कलर का कलर पेपर यूज़ किया है। और बेबी का जो जम सूट है वो फिर से फर्स्ट क्राय से लिया है। और हाँ, जो अम्ब्रेला बनाया हुआ है उसके लिए हमने ग्रीन कलर का कुर्ती यूज़ की है। नेक्स्ट जो फोटो आप देख रहे हो ये भी मेरा एक फेवरेट फ़ोटो है। इसमें भी जो बेडशीट यूज़ किया है बैकग्राउंड के लिए वो लाइट ब्लू कलर का अमेज़ॉन से परचेस किया हुआ है।
क्लाउड्स के लिए हमने वाइट कलर का दुपट्टा यूज़ किया है। बर्ड्स, ओरिगामी बर्ड्स हमने तैयार किए हैं कलर पेपर से। नीचे ग्रास दिखाने के लिए ग्रीन कलर का दुपट्टा यूज़ किया है और उस पर हमने फ्लावर्स बना के बिछा दिए हैं। सन के लिए हमने येलो कलर का कलर पेपर यूज़ किया है और लैडर भी बनाया है जो कि हमने ब्लैक कलर के कलर पेपर से बनाया है। स्लाइड दिखाने के लिए हमने ब्लैक कलर का स्टोल यूज़ किया है। अभी हमने इसमें क्या दिखाया है कि बच्चा जो है स्लाइड करके नीचे आ रहा है, डॉगी ने ऑलरेडी स्लाइड किया हुआ है, टेडी अभी स्लाइड करने के लिए जा रहा है इसलिए वो वहाँ पे बैठा है, और मंकी भी चढ़ रहा है स्लाइड करने के लिए। इसमें हमने जो टी शर्ट और शॉर्ट्स उस बच्चे को डाली है वो फर्स्ट क्राई से ऑर्डर की है। नेक्स्ट जो फोटो है इसमें हमने कपड़ों के साथ बच्चे को भी सुखाया है, ऐसा थीम है। तो इसमें हमने फिर से बेडशीट यूज़ किया है लाइट ब्लू कलर का, अमेजोन से परचेज़ किया है। उसके बाद बेबी के कुछ कलरफुल क्लॉथ्स लिए हैं, कुछ कलरफुल क्राफ्ट पेपर लिए है जिसे हमने बर्ड्स बनाए हैं, ओरिगामी बर्ड्स, सन बनाया है येलो कलर के कलर पेपर से, और फ्लावर्स बनाए हैं, और क्लाउड के लिए वाइट कलर का कलर पेपर यूज़ किया है, और एक स्ट्रिंग यूज़ किया है जिसपे हमने बच्चे को और कपड़ों को सुखाया है। इसमें भी जो जम्प सूट बच्चे को डाला है हमने वो फर्स्ट क्राई से ही ऑर्डर किया है। नेक्स्ट जो फोटो है इसमें हमने ये दिखाया कि बच्चा बीच पे रेस्ट कर रहा है। तो इसमें हमने जो बैकग्राउंड दिखाया है वो बेडशीट है अगेन, जो कि क्रीम कलर का बेडशीट है, अमेजोन से परचेज किया है। उसके बाद पानी दिखाने के लिए वाइट और ब्लू दुपट्टा यूज़ किया है, पेंटेड शेल्स यूज़ किए हैं, स्टारफिश यूज़ किया है वो भी हमने कलर किया हुआ है। एक्सेसरी में कैप है, गॉगल है, और एक ओल्ड रेडियो का इमेज वहाँ पे एडिट करके डाला है, और बेबी का टॉवल है। इसमें जो बंडी है वो और उसकी नैपी जो है वो फिर से फर्स्ट क्राई से है। नेक्स्ट जो फोटो है इसमें बेबी स्पेस में जा रहा है स्पेस सूट डाल के। तो इसमें हमने ये किया है कि एक ब्लैक कलर का बड़ा सा स्टोल था वो लिया था बैकग्राउंड के लिए। उसके बाद हमने फिर से क्राफ्ट पेपर यूज़ करके वो स्टार्स बनाए हैं, प्लैनेट्स बनाए हुए हैं, और जो स्पेस सूट बच्चे का आप पीछे देख रहे हो और वो वायर, वो सब बनाया हुआ है, DIY है, और बच्चे का जम्प सूट फर्स्ट क्राई से है। नेक्स्ट जो है इसमें बेबी बलून के साथ स्काई में उड़ रहा है, ये हमारी थीम थी। तो इसमें भी हमने फिर से बेडशीट यूज़ किया है लाइट ब्लू कलर का जो अमेजोन से लिया है, वाइट कलर का कलर पेपर यूज़ करके क्लाउड्स बनाए हैं। बच्चे के हाथ में बलून देना था तो हमने एक ब्लैक रिबिन से बलून को बांध के वो फिर बच्चे के हाथ में बलून बांध दिया था। और लास्ट जो आप फोटो देख रहे हो इसमें हमने फिर से बेडशीट यूज़ किया है ऑरेंज कलर का, और वो हमने अमेजोन से ही परचेज किया है। प्रिंटेड नंबर्स है जो हमने प्रिंट करके लिए थे। हमने इसमें एक वॉल क्लॉक दिखाया है, तो नंबर्स है 1 to 12। कुछ टॉयज यूज़ किए हुए हैं और उस टॉयज का यूज़ करके हमने ये दिखाया है कि बच्चे ने 6 months कम्प्लीट कर लिए हैं। बच्चे का जो इसमें ड्रेस है, जो जम्प सूट है, वो हमने फर्स्ट क्राई से ऑर्डर किया है। सो गाइज, मुझे बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा बच्चे का, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।